नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य में कोविड संक्रमण की लगातार संभलती स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट देने और अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। इस बारे में जानकारी देने हेतु बुलाई गई पत्रवार्ता में राज्य के राहत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन को 5 अलग अलग स्तरों के तहत अनलॉक किया जाएगा। इस हेतु सभी जिलों व मनपा क्षेत्रों को मिलाकर राज्य को कुल 43 हिस्सों में विभाजित किया गया है और सभी जिलों को लॉकडाउन में छूट मिलने हेतु पॉजिटिविटी रेट की शर्त तय की गई। इसके तहत जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% है और 25% से कम ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हैं, ऐसे जिलों को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया जाएगा। इसके तहत संबंधित जिलों में रेस्टोरेंट व मॉल सहित सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान नियमित रूप से खुलने की अनुमति दी जाएगी और वहां से रेल सेवा भी शुरू की जाएगी। पूर्णतः अनलॉक होने वाले जिलों में सार्वजनिक स्थान, बगीचे, साइकिलिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, सरकारी कार्यालय, क्रीडांगण व टॉकीज को पूरी तरह से खुलने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विवाह समारोह में भी 100% उपस्थिति की अनुमति दी जाएगी। अलग अलग जिलों में पॉजिटिविटी रेट तथा अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या को देखते हुए अनलॉक के मानक तय किए जाएंगे और जिन जिन जिलों में हालात संभलते नजर आएंगे वहां पूरी तरह से अनलॉक किया जाएगा। इस नियम पर कल शुक्रवार से ही अमल करना शुरू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार कल से यवतमाल, वाशिम, बुलढाणा, नागपुर, वर्धा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, धुलिया, औरंगाबाद, जलगांव, जालना, लातूर, नांदेड़, नाशिक, परभणी व ठाणे इन जिलों को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया जाएगा। कोविड संक्रमण के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य शिक्षा मंडल के मार्फत ली जाने वाली कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई आपत्ति व्यवस्थापन की बैठक में कक्षा 12वीं की परीक्षा को रद्द करने के निर्णय पर अंतिम मुहर लगाई गई। ऐसे में अब कक्षा 10वीं की तरह ही कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भी मूल्यांकन पद्धति के जरिए घोषित किए जाने की संभावना है। साथ ही अब सभी का ध्यान इस ओर लगा हुआ है कि कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का मूल्यमापन करने हेतु कौन से मानक तय किए जाते हैं। गत रोज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कक्षा 12वीं की परीक्षा को रद्द करने पर आम सहमति बनी थी और राज्य मंत्री परिषद का कहना रहा कि कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए विद्यार्थियों सहित उनके अभिभावकों, शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों की जान को खतरे में डालना योग्य नहीं होगा। ऐसे में जिस तरह से कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द की गई है उसी तरह कक्षा 12वीं की परीक्षा को भी रद्द किया जाए, जिसके बाद गुरुवार को राज्य आपत्ति व्यवस्थापन समिति की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में इस फैसले पर अंतिम मुहर लगाई गई और जल्द ही इस फैसले से उच्च न्यायालय को भी अवगत कराया जाएगा। महाराष्ट्र में इस वर्ष कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द ही रहेगी। इस बात पर मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा भी अपनी अंतिम मुहर लगा दी गई है। कक्षा 10वीं की परीक्षा को रद्द करने के बारे में राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले धनंजय कुलकर्णी ने इस संदर्भ में हाईकोर्ट की ओर से बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आड़े हाथ लिए जाने और कड़ी फटकार लगाए जाने के बाद अपनी याचिका वापस ले ली। ऐसे में यह तय है कि राज्य में कक्षा 10वीं की परीक्षा इस वर्ष नहीं ली जाएगी और परीक्षा को रद्द करने के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय ही कायम रहेगा। कोविड संक्रमण के चलते जिले में 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता की इस बीमारी की वजह से मौत हो गई है। सरकार द्वारा ऐसे बच्चों का पालकत्व तो स्वीकारने के साथ ही उन बच्चों के नाम पर 5-5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा। सरकार की ओर से दिए गए इस आधार के चलते इन बच्चों का पुनर्वसन होगा, ऐसी जानकारी राज्य की महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा दी गई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इन बच्चों के पालन पोषण करने की जिम्मेदारी लेने हेतु यदि उनका कोई भी रिश्तेदार सामने नहीं आता है तो इन बच्चों को सरकारी बाल संगोपन गृह में दाखिल किया जाएगा। वहीं यदि इन बच्चों के परिवार का सदस्य अथवा रिश्तेदार इन बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है तो उन्हें बाल संगोपन योजना के तहत प्रतिमाह 1,100 रुपए दिए जाएंगे। समीपस्थ नांदगांव पेट के निकट अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले गंदे पानी से प्रभावित कृषि भूमि की भरपाई और भूमि अधिग्रहण का मसला जल्द ही हल हो जाएगा और इसे लेकर प्रत्यक्ष कार्रवाई भी शुरू होगी। इस बारे में राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने MIDC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ चर्चा करते हुए भूमि अधिग्रहण के साथ साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने में प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया। अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से नांदगांव पेट खेत परिसर में करीब 55 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित होने की शिकायत क्षेत्र के किसानों द्वारा की गई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए पालक मंत्री ठाकुर ने मुंबई में MIDC के CEO सहित अन्य अधिकारियों के साथ इस मसले को लेकर विस्तृत चर्चा की।
शहर से जिले में इन दिनों कोरोना का संक्रमण कुछ धीमा पड़ गया है। बावजूद इसके महामारी का प्रभाव बरकरार है और कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना भी विशेषज्ञों द्वारा जताई गई है। ऐसे में शहरी इलाके की घनी बस्ती वाले परिसरों में कोविड का संक्रमण न बढ़े और हालात नियंत्रण में रहे, इस बात के मद्देनजर स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के ने पूर्व तैयारियों को टटोलना शुरू किया है। इसी श्रृंखला के तहत अमरावती शहरी इलाके के महेंद्र कॉलोनी प्रभाग के असीर कॉलोनी स्थित मनपा सूचिका गृह इमारत को कोविड केयर सेंटर में रूपांतरित करते हुए यहाँ पर आइसोलेशन सहित प्रभावी उपचार सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए विधायक सुलभा खोड़के ने इस परिसर का दौरा किया। मनपा प्रभाग क्रमांक 5 में महेंद्र कॉलोनी परिसर स्थित अस्पताल की यह इमारत विगत कई समय से बंद अवस्था में पड़ी हुई थी। ऐसे में इस इमारत में 100 बेड वाला सूतिका गृह शुरू करने के लिए विधायक सुलभा खोड़के द्वारा पहल शुरू की गई है। कोविड महामारी का प्रकोप अब ग्रामीण इलाकों में भी बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। ग्रामीण इलाकों के महिला पुरुष तथा छोटे बच्चे भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोविड अस्पताल व आइसोलेशन कक्ष में भर्ती मरीजों की समस्याओं को जानने के लिए विधायक रवि राणा जिले के प्रत्येक तहसील में जाकर कोविड अस्पताल व आइसोलेशन कक्ष को भेंट दे रहे हैं। इसके तहत विधायक रवि राणा ने गुरुवार को भातकुली के ग्रामीण अस्पताल में जाकर कोविड कक्ष में प्रवेश करते हुए प्रत्यक्ष मरीजों से बातचीत की। इस समय कुछ मरीजों द्वारा भोजन की क्वालिटी को लेकर शिकायत किए जाने पर विधायक रवि राणा ने तत्काल वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर भैंस ने तहसीलदार नीता लबड़े व नगर पंचायत सीईओ वैद्य को इसमें सुधार करने के निर्देश भी दिए। जिले में 15 मई के बाद कोविड संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है और अब संक्रमितों की संख्या के साथ साथ पॉजिटिविटी रेट भी घट रहा है, किंतु मृत्यु संख्या की वजह से स्वास्थ्य महकमा अब भी अलर्ट पर है। कोविड संक्रमण की पहली लहर के दौरान और उसके बाद लोग बाग काफी हद तक लापरवाह हो गए थे, जिसकी वजह से दूसरी लहर आई और इस समय दूसरी लहर का खतरा भी पूरी तरह से टला नहीं है। लेकिन संक्रमण की रफ्तार सुस्त होती देख लॉकडाउन व संचारबंदी में छूट दी गई है। ऐसे में यदि नियमों का कड़ाई के साथ पालन नहीं किया गया तो कोविड संक्रमण की तीसरी लहर भी आ सकती है, ऐसी आशंका स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। ऐसे में लॉकडाउन में छूट व शिथिलता के बाद भी कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन किया जाना चाहिए ताकि इस संक्रमण से मुक्ति मिल सके। राज्य सरकार द्वारा मंगलवार 1 जून से संचारबंदी को जारी रखने के साथ ही इसमें आंशिक छूट भी दी गई है, जिसकी वजह से मंगलवार को पहले ही दिन शहर सहित जिले के सभी बाजार पेठों में जबरदस्त भीड़भाड़ दिखाई दी और जीवनावश्यक वस्तुओं सहित कपड़े, इलेक्ट्रिकल, क्रॉकरी व पूजा साहित्य जैसे प्रतिष्ठानों में खरीदारी के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। ऐसे में यदि मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो कोविड संक्रमण की लहर के वापस लौटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जहां तक संभव हो सभी लोगों ने बस अथवा रेलगाड़ी से अनावश्यक यात्रा टालनी चाहिए। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का प्रयोग करना चाहिए। बाजारों व प्रतिष्ठानों में खरीदारी करते समय अनावश्यक भीड़भाड़ में जाने से बचते हुए सर्दी खांसी व बुखार रहने पर डॉक्टरों की सलाह से कोविड टेस्ट जरूर करवानी चाहिए। इन बातों की ओर अनदेखी करना काफी भारी पड़ सकता है और इन गलतियों की वजह से कोविड संक्रमण की तीसरी लहर आ सकती है। इस बारे में जिलाधीश शैलेश नवाल का कहना रहा कि कोविड संक्रमण का कहर विगत एक वर्ष से लगातार जारी है और इस एक वर्ष के दौरान सभी नागरिकों को कम से कम यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि कोविड त्रिसूत्री नियमों का पालन करते हुए ही इस संक्रमण से बचा जा सकता है और इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। यही बात सरकार एवं प्रशासन द्वारा एक साल से लगातार समझाई जा रही है, किंतु इसके बावजूद कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से पहली लहर के बाद दूसरी लहर आई और सरकार व प्रशासन को मजबूरी में एक के बाद एक लॉकडाउन लागू करने पड़े। यदि आगे भी ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर सरकार व प्रशासन को फिर से लॉकडाउन लागू करना पड़ेगा। अतः अब जनता की जिम्मेदारी है कि वे कोविड त्रिसूत्री नियमों का पालन करें, तभी हालात नियंत्रित हो सकेंगे। वहीं इस संदर्भ में शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह का कहना रहा कि इस समय अमरावती शहर के मुख्य बाजारों में सस्ता सामान मिलने के चक्कर में शहरवासियों सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग बाग भी बड़े पैमाने पर यहां खरीदारी हेतु भीड़भाड़ कर रहे हैं, जबकि हर चीज घर के आसपास ही मिलती है। ऐसे में लोग बाग नाहक ही अपनी जान का खतरा उठाकर घरों से बाहर निकलकर बाजारों में आ रहे हैं। लोगों को यह समझना चाहिए कि इस वक्त खुद की जान सबसे महंगी और कीमती है, ऐसे में सस्ते सामान के चक्कर में अपनी जान को दांव पर न लगाएं। इसके अलावा अमरावती महानगरपालिका के आयुक्त प्रशांत रोड़े का कहना रहा कि अमरावती मनपा क्षेत्र में भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के साथ ही कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करवाने हेतु कई पथक तैनात किए गए हैं, जिनके द्वारा नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सबसे जरूरी यह है कि विगत एक वर्ष के अनुभव को देखते हुए अब नागरिकों द्वारा अपनी सजगता व गंभीरता का परिचय दिया जाए, क्योंकि यदि अब भी लापरवाही जारी रही तो इसमें सबका नुकसान होना तय है। प्रशासन पिछले एक साल से लगातार कोविड त्रिसूत्री के नियमों का पालन करने की बात बार बार समझा रहा है। ऐसे में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद सभी व्यापारियों व आम नागरिकों द्वारा इन नियमों का कड़ाई पूर्वक पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा दोबारा पहले जैसे हालात पैदा हो सकते हैं।
कड़े लॉकडाउन के प्रतिबंधों को शिथिल करने के बाद कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का कड़ाई पूर्वक पालन करना सभी के लिए अनिवार्य किया गया है, किंतु कई नागरिकों द्वारा अनुशासन का पालन नहीं किया जा रहा। ऐसे में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करने की भूमिका अपनाई है और गुरुवार से 3 दिनों तक शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर 20 पदकों द्वारा कड़ी नजर रखी जाएगी। 4 उप जिलाधीशों के नेतृत्व में गठित इन पदकों द्वारा नियमों का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा आदेश जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा गत रोज जारी किया गया है। डायबिटीज व हाई बीपी जैसी बहुविध बीमारियों से पीड़ित नागरिकों में कोविड मुक्त होने के बाद म्यूकर माइकोसिस नामक फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा इन दिनों काफी बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है और जिले में अब तक ब्लैक फंगस नामक बीमारी से संक्रमित 152 मरीज पाए जा चुके हैं, जिसमें से अब तक 10 मरीजों की इस इन्फेक्शन के चलते मौत हो चुकी है। वहीं 66 मरीजों को शल्यक्रिया के बाद ठीक हो जाने पर अस्पतालों से डिस्चार्ज मिला। इस वक्त 86 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं, किंतु इन मरीजों के इलाज हेतु बेहद आवश्यक रहने वाले एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की काफी किल्लत देखी जा रही है, जिसकी वजह से जहां एक ओर म्यूकर माइकोसिस से पीड़ित मरीजों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर इस इंजेक्शन की किल्लत के चलते मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को भी काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक ब्लैक फंगस नामक यह इन्फेक्शन नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और साइनस यानी श्वसन तंत्रिका में चिपक कर खुद को विकसित करना शुरू करता है, जहां से यह धीरे धीरे आंखों और मस्तिष्क की ओर बढ़ना शुरू करता है। साइनस में रहते समय नाक और जबड़े की हड्डियों को खाने की क्षमता रखने वाला यह फंगस जैसे ही आंखों के पास पहुंचता है तो आंखों को पूरी तरह से खराब कर देता है और आंखों की रोशनी चली जाती है। साथ ही जब यह इन्फेक्शन मस्तिष्क तक अपनी पहुंच बनाता है तो संक्रमित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसके साथ ही इस बीमारी के इलाज पर होने वाला खर्च भी काफी अधिक होता है और इस बीमारी की शल्यक्रिया काफी जटिल व महंगी रहने के साथ साथ मरीज को दिए जाने वाले इंजेक्शन व दवाइयां भी काफी महंगे होते हैं। एम्फोटेरिसिन नामक इंजेक्शन को सबसे कारगर व महत्वपूर्ण माना जाता है, किंतु इस समय समूचे देश में एम्फोटेरिसिन नामक इंजेक्शन की भारी किल्लत चल रही है और इस इंजेक्शन की कालाबाजारी न हो इस बात के मद्देनजर राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला प्रशासन को इस इंजेक्शन की खेप उपलब्ध कराई जा रही है तथा जिलाधीश स्तर पर जिलाधीश के नियंत्रण में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जिला समन्वयक द्वारा सरकारी सहित अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की आवश्यक जाँच पड़ताल करने के बाद जरूरत के लिहाज से इंजेक्शन की आपूर्ति की जा रही है। लेकिन इन दिनों म्यूकर माइकोसिस पीड़ित मरीजों के लिए रोजाना जितने इंजेक्शनों की जरूरत पड़ रही है उसकी तुलना में आपूर्ति बेहद कम है। प्रशासन द्वारा उम्मीद की है कि आज शाम तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से नई डोज प्राप्त हो जाएगी जो म्यूकर माइकोसिस से पीड़ित मरीजों हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। इस बारे में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम ने कहा कि इस समय एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन को लेकर काफी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जिला सामान्य अस्पताल में इस वक्त म्यूकर माइकोसिस से पीड़ित 30 मरीज भर्ती हैं, वहीं इससे पहले 15 मरीजों की सफलतापूर्वक शल्यक्रिया करते हुए उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जिला समन्वयक डॉक्टर सचिन सानप ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बेहद खतरनाक और जानलेवा रहने वाली इस बीमारी की चपेट में इन दिनों कोविड मुक्त होने वाले बहुविध बीमारियों से पीड़ित मरीज बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही बीमारी की चपेट में आ चुके मरीजों का इलाज करने हेतु प्रशासन द्वारा तमाम आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीमारी के इलाज में बेहद आवश्यक रहने वाले इंजेक्शन की काफी किल्लत है और आपूर्ति भी अनियमित है। बावजूद इसके जो भी स्टॉक सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें से जरूरत के मुताबिक सभी अस्पतालों को इंजेक्शन मुहैया कराए जा रहे हैं। म्यूकर माइकोसिस नामक बीमारी का इलाज काफी महंगा होता है और इस बीमारी हेतु आवश्यक एम्फोटेरिसिन नामक इंजेक्शन की कीमत 6000 रुपए के आसपास होती है और इस इंजेक्शन के करीब 6 डोज लेने पड़ते हैं। वहीं इस शल्यक्रिया की नौबत आने पर 4 से 5 लाख रुपए का खर्च होना अपेक्षित होता है और अन्य दवाइयां भी काफी महंगी होती है। ऐसे में इस बीमारी पर होने वाला खर्च सीधे 6 से 7 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकता है। सर्वसामान्य एवं मध्यम वर्गीय स्थिति वाले मरीजों के लिए इलाज पर इतनी अधिक राशि खर्च करना लगभग असंभव है। इस बात के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा म्यूकर माइकोसिस की बीमारी को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, पीडीएमसी अस्पताल तथा बेस्ट हॉस्पिटल में इस बीमारी के निशुल्क इलाज की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इन सभी अस्पतालों में इस समय करीब 52 मरीजों का निशुल्क इलाज जारी है, ऐसी जानकारी भी पीएम जन आरोग्य योजना के जिला समन्वयक डॉक्टर सानप द्वारा दी गई। साथ ही उन्होंने कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके लोगों से कोविड त्रिसूत्री नियमों का पालन करते हुए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने तथा म्यूकर माइकोसिस की बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत ही नेत्र व ENT विशेषज्ञ से अपनी स्वास्थ्य जांच कराने का आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों से म्यूकर माइकोसिस की चपेट में आने पर महात्मा फुले जन आरोग्य योजना में शामिल अस्पतालों में भर्ती होकर अपना निशुल्क इलाज कराने की सलाह भी दी है। विगत कुछ दिनों से लगातार सुस्त हो रही कोविड संक्रमण की रफ्तार के तहत आज गुरुवार को केवल 319 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 93,168 पर जा पहुंची है। वहीं गुरुवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 10 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 9 स्थानीय मरीजों सहित बाहरी जिले के 1 मरीज का समावेश रहा। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,477 पर जा पहुंची है। साथ ही बाहरी जिलों के 172 मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1,649 पर जा पहुंचा है। गुरुवार को मृत हुए मरीजों में मनपा
क्षेत्र के 4 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 5 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा गुरुवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 546 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 87,640 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,051 है, जिसमें से जिनमें मनपा क्षेत्र के 1,073 और ग्रामीण क्षेत्र के 2,978 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा इस समय 1,272 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 796 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1,983 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 7,271 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से मात्र 4.38% लोगों की ही कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विगत 9 दिनों से पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी आ रही है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण बढ़कर 94.7% पर पहुंच गया है। रिकवरी रेट में भी विगत कुछ दिनों से इजाफा हो रहा है। इसे एक तरह से अमरावती जिले के लिए काफी राहत वाली स्थिति कहा जा सकता है। वहीं गुरुवार को संभाग में कुल 870 नए कोविड संक्रमित मरीज मिले, जिनमें अकोला जिले के 241, यवतमाल के 81, बुलढाणा के 151 व वाशिम के 78 मरीजों का समावेश रहा। इसके साथ ही संभाग में गुरुवार को 1,626 मरीज कोविड मुक्त होकर अपने घर लौटे, जिनमें अकोला के 271, यवतमाल के 175, बुलढाणा के 299 तथा वाशिम के 335 मरीज शामिल हैं। अमरावती संभाग में अब तक कुल 347,848 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिसमें से 332,640 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं अब तक 594 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। जिले के कुल 47 सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों तथा कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु 2,455 बेड की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से इस समय केवल 735 बेड पर ही कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती रखा गया है और 1,720 बेड रिक्त पड़े हैं। विगत कुछ दिनों से कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों की तुलना में यहां पर रिक्त रहने वाले बेड की संख्या लगातार अधिक दिखाई दे रही है। साथ ही विगत कुछ दिनों से जिले में रोजाना पाए जाने वाले नए संक्रमितों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है। वहीं अब नए संक्रमितों की तुलना में पहले से कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों के डिस्चार्ज होने का प्रमाण बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब पहले की तुलना में रिक्त रहने वाले बेड की संख्या बढ़ गई है। जिले में इस समय कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है। इसके तहत बीते 7 दिनों के दौरान अमरावती जिले में 60,000 से अधिक लाभार्थियों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का पहला व दूसरा डोज लगाया गया। गत रोज जिले के 38 टीकाकरण केंद्रों पर कुल 3,021 लोगों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगवाई। इसमें से 1,675 ने पहला व 1,346 ने दूसरा प्रतिबंधात्मक डोज लगाया। इस समय जिले में कोविशील्ड व कोवैक्सीन का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध कराया गया है, जिसके जरिए कोवैक्सीन का पहला डोज लगवा चुके लाभार्थियों को दूसरा डोज लगाया जा रहा है। वहीं कोविशील्ड के स्टॉक से पहला व दूसरा डोज लगाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में वैक्सीन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या अमरावती जिले में 4,61,439 पर जा पहुंची है, जिसमें से 3,49,339 ने पहला व 1,22,090 ने पहले के बाद दूसरा डोज लगवा लिया है। वहीं संभाग के 5 जिलों में अब तक 17,70,566 प्रतिबंधात्मक डोज लगाए जा चुके हैं। इसके तहत 13,81,132 लोगों ने पहला तथा 3,89,435 लोगों ने पहले डोज के साथ ही दूसरा डोज लगवाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा आगामी दिसंबर 2021 तक समूचे देश में टीकाकरण का काम पूरा कर लिए जाने की बात कही गई है, किंतु अमरावती जिले में हो रही वैक्सीन की आपूर्ति और इस जरिए होने वाले टीकाकरण की स्थिति को देखते हुए दिसंबर माह तक इस लक्ष्य को पूरा करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है और संभावना है कि वर्ष 2022 तक टीकाकरण का काम जारी रहेगा। अमरावती जिले के लिए रोजाना कम से कम 10,000 डोज की आवश्यकता है, किंतु इसकी तुलना में वैक्सीन की आपूर्ति बेहद अत्यल्प हो रही है। जिले में कुल 135 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र में 18 व ग्रामीण क्षेत्र में 117 टीकाकरण केंद्र हैं, किंतु वैक्सीन का अभाव रहने के चलते इसमें से आधे से अधिक केंद्र बंद पड़े हैं। ऐसे में दिसंबर माह तक टीकाकरण का लक्ष्य कैसे पूर्ण होगा, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। स्थानीय कठोरा रोड परिसर में वृक्ष पालकत्व अभियान के तहत रास्ते के किनारे लगाए गए वृक्ष को यहां के एक व्यवसायी द्वारा कुल्हाड़ी से कटवा दिया गया। विगत दिनों चलाई गई वृक्ष पालकत्व योजना के तहत यह वृक्ष लगाया गया था, जिसका पालकत्व क्षेत्र के ही एक व्यक्ति ने लिया था। वृक्ष काटे जाने की जानकारी मिलते ही उस व्यापारी के खिलाफ गाड़गेनगर थाना पुलिस में शिकायत व अपराध दर्ज किए गए। साथ ही अमरावती गार्डन क्लब के सदस्यों ने इस वृक्ष को कुछ तकनीकों का प्रयोग करते हुए दोबारा जिंदा करने का प्रयास किया, जिसके तहत इस वृक्ष की विशेष रूप से प्लास्टरिंग की गई। बच्चों में कुपोषण का प्रमाण कम हो और उन्हें पोषक आहार मिले, इस हेतु सरकार की ओर से दिए जाने वाले पूरक पोषक आहार में कुछ बदलाव किया गया है। गत वर्ष तक इस पोषक आहार में खाद्य तेल का समावेश था, किंतु अब खाद्य तेल की बजाय शक्कर का वितरण किया जा रहा है। शरीर के लिए आवश्यक उष्मांक की जरूरत के अनुसार यह बदलाव किए जाने की बात सरकार की ओर से कही गई है, किंतु हकीकत यह है कि तेल की लगातार बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार द्वारा खर्च में कटौती करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया, जिसे लेकर नागरिकों में अच्छी खासी नाराजगी देखी जा रही है।
कृषि उत्पन्न बाजार समितियों में अब पणन संचालक की मान्यता के बिना अनुकंपा तत्वों पर पदभर्ती नहीं हो सकेगी। इस निर्णय के चलते बाजार समिति में मनमाने ढंग से होने वाली अनुकंपा पदभर्ती पर ब्रेक लगेगा। इससे पहले बाजार समिति में अनुकंपा पदभर्ती करने का अधिकार बाजार समिति प्रशासन व जिला उपनिबंधक के पास हुआ करता था। बाजार समिति में कार्यरत किसी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान किसी भी वजह से मौत होने पर उसके वारिस को तुरंत ही बाजार समिति की सेवा में लिया जाता था, जिसके लिए मंडी सचिव अपने अधिकार में अनुकंपा तत्वों पर नियुक्ति करते हुए इसकी मंजूरी का प्रस्ताव जिला उपनिबंधक के पास भेजा करते थे। किंतु ऐसी नियुक्ति को लेकर कई तरह की शिकायतें पणन महासंचालक के पास प्राप्त हुई, जिसके चलते तय किया गया है कि बाजार समितियों का नियंत्रक अधिकारी रहने के नाते अब पणन संचालक की मान्यता के बिना अनुकंपा तत्वों पर किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जाएगी। कोविड संक्रमण काल के दौरान लॉकडाउन जारी रहने के चलते विगत लंबे समय से जिम व स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद है। ऐसे में अपने फिजिकल फिटनेस को लेकर सजग रहने वाले लोगों के लिए व्यायाम करने का रास्ता बंद हो गया है। इस बात का सीधा फायदा साइकिल उत्पादन क्षेत्र पर हुआ, क्योंकि इन दिनों लोग व्यायाम करने के लिए बड़े पैमाने पर साइकिल चलाना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड वाली साइकिलों का क्रेज जमकर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से विगत एक वर्ष के दौरान साइकिलों की बिक्री में लगभग 2 गुना वृद्धि हो चुकी है। इसके साथ ही गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष साइकिलों की बिक्री में 20% वृद्धि होने की उम्मीद है। मार्च 2020 से शहर में रोजाना सुबह शाम साइकिल चलाने वालों की संख्या बढ़ गई है और शहर के बाहरी हिस्सों में स्थित महामार्गों पर भी इन दिनों बड़े पैमाने पर साइकिल सवार दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि विगत वर्ष मार्च माह से कोविड संक्रमण के चलते लॉकडाउन लागू किया गया था और एक वर्ष से सभी व्यायामशाला, जिम, स्विमिंग पूल, योग क्लासेस व एरोबिक क्लासेस आदि बंद पड़े हैं। ऐसे में फिटनेस के प्रति जागरूक नागरिकों ने अपने स्वास्थ्य को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए रोजाना सुबह शाम साइकिलिंग करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से स्वाभाविक तौर पर साइकिलों की मांग और बिक्री बढ़ गए। गुरुवार 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में जिले की सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा साइकिल की सवारी करते हुए लोगों को साइकिल चलाने हेतु प्रेरित किया गया। इस समय सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा का कहना रहा कि साइकिल चलाने से जहां एक ओर शारीरिक स्वास्थ्य चुस्त व तंदुरुस्त रहता है, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण की समस्या भी नहीं होती, अतः अधिक से अधिक लोगों ने साइकिल जरूर चलानी चाहिए। सिडको द्वारा चिखलदरा विकास के तहत विकसित किए जा रहे शिवसागर पॉइंट आने वाले दिनों में सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। ऐसे में इस पॉइंट के विकास के लिए सिडको कार्यालय व ठेकेदारों द्वारा गंभीरता बरते जाने की जरूरत है, किंतु इससे उलट सिडको कार्यालय व ठेकेदार द्वारा यहां पर कितनी लापरवाही बरती जा रही है, इसका उदाहरण यह है कि काम की मुदत खत्म होने के बावजूद भी अधिकारियों की लापरवाही व मिलीभगत के कारण काम की रफ्तार के नाम पर एक मिस्त्री व 2 मजदूर ही यहां काम कर रहे हैं। वहीं लगभग 50% काम अब भी होना बाकी है। सिडको अधिकारियों ने इसका एस्टीमेट 9,23,00,000 रुपए की एवज में ठेकेदार का काम 50% होते हुए भी उसे 70% पेमेंट भी कर दिया। कुल मिलाकर इस काम के बदले सिडको कार्यालय ने ठेकेदार को 83,00,000 रुपए दिए हैं, जिसके कारण अब ठेकेदार अपने मनमाने तरीके से काम कर रहा है और कार्यालय से ज्यादा पैसों की मांग कर रहा है, जिसे लेकर सिडको कार्यालय के अधिकारियों का ठेकेदार पर अब कोई नियंत्रण भी नहीं रहने की बात स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी समाज को दिए गए राजनीतिक आरक्षण को खारिज किए जाने का आदेश जारी किया गया है। इससे राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार की विफलता बताते हुए भाजपा ओबीसी सेल द्वारा सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार का जमकर निषेध किया गया और ओबीसी समाज को दोबारा राजनीतिक आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग की गई। भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर व भाजपा ओबीसी सेल के शहराध्यक्ष विवेक चुटके के मार्गदर्शन में गुरुवार को राजकमल चौक पर आक्रोश आंदोलन किया गया। पश्चात यहां से सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता एक मोर्चे की शक्ल में जिलाधीश कार्यालय पहुंचे, जहां पर जिलाधीश के मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ठाकरे उद्धव ठाकरे साहेबांना एकही पत्रावर कारवाई केली नाही, उत्तर ही दिलं नाही, आयोगही बसवला नाही आणि त्याच्या शिफारसी सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल केल्या नाही, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने रागाने हे ओबीसीचं आरक्षण रद्द केलं, राजकीय आरक्षण रद्द केलं। याला जर का कोणी जबाबदार असेल तर उद्धव ठाकरे साहेब आणि त्यांचे जे नेते आहेत शरद पवार साहेब हेच याला जबाबदार आहे। त्यामुळे या महाराष्ट्रामध्ये ओबीसीवर अन्याय झाला, त्यांच्या राजकीय आरक्षणावर अन्याय झाला, मराठा समाजावर अन्याय झाला, प्रत्येकावर या सरकारमध्ये अन्याय होत आहे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण ओबीसी मोर्चा की ओर से ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने को लेकर चांदूर बाजार के जयस्तंभ चौक में आक्रोश आंदोलन किया गया और तहसीलदार को निवेदन सौंपा गया। स्थानीय बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा तथा लॉयंस क्लब ऑफ अमरावती प्रीमियम के संयुक्त प्रयासों से वडाली क्षेत्र निवासी दिलबाग सिंह नामक मरीज के इलाज हेतु 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। कुछ रोज पहले वडाली निवासी दिलबाग सिंह को एक हादसे के दौरान सिर पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें इलाज हेतु शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उन्हें विगत कई दिनों से वेंटिलेटर पर रखा गया है। ऐसे में परिवार की तमाम कोशिशों के बावजूद आर्थिक परिस्थिति की वजह से इलाज में मुश्किलें आ रही थी। यह खबर मिलते ही गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा अमरावती की प्रबंधन समिति द्वारा इस व्यक्ति
उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समाज कार्य में हमेशा ही अग्रणी रहने वाले लॉयंस क्लब ऑफ अमरावती प्रीमियम से संपर्क किए जाने पर क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भी तुरंत ही मदद का हाथ आगे बढ़ाया। विगत 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले अमरावती के जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम को सरकार द्वारा जारी एक आदेश के चलते एक वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल मिला है। इस सेवा वृद्धि के लिए जिला कांग्रेस कमेटी, अनुसूचित जाति विभाग और युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बुधवार को सीएस डॉक्टर श्याम सुंदर निकम का औक्षण करते हुए जिला सामान्य अस्पताल में पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया। मध्य रेलवे के भुसावल डिवीजन के अधिकारी विनीत कुमार गुप्ता ने गुरुवार की सुबह बडनेरा रेलवे स्टेशन को भेंट दी और इस दौरान उन्होंने समूचे बडनेरा रेलवे स्टेशन का मुआयना करते हुए उत्तमसरा गांव के पास बनने वाले रेलवे वैगन कारखाने का भी मुआयना किया। सोमवार 7 जून को शहर के कुछ हिस्सों की जलापूर्ति बंद रहेगी। शहर के चित्रा चौक परिसर में फिलहाल उड़ान पुल का काम शुरू है। ऐसे में शनिवार 5 जून को उस परिसर में पाइपलाइन को जोड़ने का काम शुरू किया जाएगा, ऐसा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, जिसकी वजह से मालटेगड़ी स्थित पानी की टंकी के साथ जोड़े गए परिसर में सोमवार 7 जून को जलापूर्ति नहीं हो पाएगी। कोविड संक्रमण का प्रकोप बढ़ जाने के चलते राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कड़े लॉकडाउन के दौरान जिला अंतर्गत और अंतर जिला एसटी बस सेवा पूरी तरह से बंद की गई थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से 1 जून से घोषित पहले अनलॉक के दौरान अब जिला अंतर्गत सभी तहसील स्तर से और अन्य जिलों के लिए एसटी बस सेवा को शुरू कर दिया गया है। इसके तहत अमरावती मध्यवर्ती बस डिपो से फिलहाल सभी तहसील क्षेत्रों के लिए यात्री संख्या को देखकर एसटी बसें छोड़ी जा रही हैं, वहीं अन्य जिलों के लिए भी एसटी बस सेवा शुरू कर दी गई है। स्थानीय साईनगर परिसर के लोग पिछले 4 दिनों से पेयजल से वंचित हैं। जीवन प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति विगत 4 दिनों से बंद रहने के कारण लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है, जिसके बाद मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती ने जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों से इस मामले को लेकर चर्चा की तो पता चला कि दस्तूरनगर मिनी बाईपास पर रास्ते की दुरुस्ती का काम जारी है, जहां पर जेसीबी से रास्ता खोदा जा रहा है और वहां पर मुख्य जलवाहिनी फूट जाने की वजह से साईनगर परिसर में होने वाली जलापूर्ति बंद है। अंजनगांव सुरजी तहसील के बीही गांव में रहने वाले दिहाड़ी मजदूरों ने रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत परिसर में पौधा रोपित करने का काम देने की मांग को लेकर रोजगार गारंटी योजना के उपजिला समन्वयक को निवेदन सौंपा। साथ ही कहा कि यदि इस बार उन्हें इस योजना के तहत पौधा रोपण का काम नहीं दिया गया तो उन पर भुखमरी की नौबत आ सकती है। आयटक संगठन द्वारा जिलाधीश के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री को एक ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी गई है कि आशा स्वयंसेविका व समूह प्रवर्तक की समस्याओं का निराकरण यदि 14 जून तक नहीं किया गया तो 16 जून से कोविड संबंधित कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह को एक निवेदन सौंपते हुए मांग की गई कि बेलपुरा निवासी रोहन उर्फ बच्चू वानखड़े की हत्या मामले की जाँच निष्पक्ष करने के साथ ही सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। रेमडेसिविर कालाबाजारी में न्यायालय ने बुधवार को अनिल पिंजरकर की अंतरिम जमानत याचिका नकार दी है। वहीं शुक्रवार को डॉक्टर पवन मालूसरे की अंतरिम जमानत आवेदन पर सुनवाई होगी। रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा अब तक डॉक्टर राठौड़ समेत शुभम किल्लेकर व शुभम सोनटक्के को पुलिस हिरासत में लेकर जाँच की गई है, जिसके दौरान इन तीनों ने इस मामले में मुख्य सूत्रधार के तौर पर डॉक्टर पवन मालूसरे का नाम लिया है। ऐसे में पुलिस डॉक्टर पवन मालूसरे व परिचारिका पूनम सोनौने को गिरफ्तार करने के प्रयास में। पेट्रोल चोरी करते समय रंगे हाथ पकड़े जाने से कॉलोनी में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा की गई पिटाई से अपमानित होकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। यह घटना गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत घटित हुई। मृतक की शिनाख्त ओम प्रवीण ग्वालवंशी बताया गया है। इस मामले में विधाते व चोर बगारे नामक दो लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। बडनेरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक्सप्रेस हाईवे के निकट घटित बच्चू वानखड़े हत्याकांड में गिरफ्तार पांचों आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 चाकू समेत हिंगनघाट से झाइलो कार जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों की पुलिस हिरासत की अवधि कल शुक्रवार को खत्म होगी। ऐसे में पुलिस द्वारा आरोपियों को कल एक बार फिर न्यायालय में पेश कर उनका PCR बढ़ाने की मांग की जाएगी। फिलहाल बच्चू वानखड़े हत्याकांड मामले में गिरफ्तार पांचों आरोपियों से पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ की जा रही है। समीपस्थ मार्डी रोड पर इंदला से इंडो पब्लिक स्कूल के निकट एक बड़े गड्ढे में करीब 1 ट्रक दवाइयां फेंके जाने की जानकारी युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों के ध्यान में आई। इस बात की जांच करने हेतु जब युवा स्वाभिमान के मंगेश कोकाटे, राज इजबे व शिवाजी किरकटे प्रत्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे तब पता चला कि इसमें से अधिकांश दवाइयों की अब तक एक्सपायरी डेट खत्म नहीं हुई है और उन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है। इस समय अमरावती जिले में जहां एक ओर कोविड संक्रमण से हजारों लोग त्रस्त हैं और साथ ही कई लोग विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे हैं, ऐसे समय सर्वसामान्य व गरीबों को निःशुल्क दवाई की आपूर्ति करने की बजाय दवाइयों के भारी भरकम स्टॉक को गैर जिम्मेदाराना तरीके से फेंक देने के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच की जानी बेहद जरूरी है। युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा इस मामले की जानकारी देने के साथ ही जिलाधीश, जिला शल्य चिकित्सक, जिला स्वास्थ्य अधिकारी एवं पुलिस आयुक्त के पास इसकी शिकायत भी की गई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हां, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।